आज मैं स्पेशल वाला थोड़ा शरबत बना रही हूँ क्योंकि आज शोएब की छुट्टी है, वो घर पे है और शोएब शरबत बहुत चाव से पीते है ना। प्लेन ही बनाएंगे, आप टेंशन मत लो, बस हम आइसिंग डाल के थोड़ा और अच्छा मलाईदार बना देंगे क्योंकि आपको वो पसंद है। सो आज ये मैं शरबत अभी घोल के रख रही हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले आइसक्रीम जो है वो दूध में डाल के छोड़ देते हैं तो वो घुल जाती है पूरी दूध में। उसके बाद आज मैं कुछ चिकन का एक नया स्नैक ट्राई करने वाली हूँ, तो बहुत दिनों बाद मैं आपके साथ ए टू जेड अच्छी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कल तो मतलब वो ऐसे मैं फटाफट बनाने लग गई थी, आपको पता है, और वो बड़ा हिट हो गया और वो भी शोएब ने टेस्ट नहीं किया कल हलवा पराठा। आज हलवा बन गया है, पराठे का डो सेट हो गया है, ये शरबत की प्रेपरेशन मैं करके रख रही हूँ। इसके बाद चलेंगे किचन में और चिकन का कोई स्नैक बनाएंगे। थोड़ा सा ऐसे ऐसे काट के इसको ढक के छोड़ देंगे एंड मे बी 20 मिनट्स बाद चेक कर सकते हैं, फिर उसको थोड़ा सा और घोल देंगे, ऐसे यहीं रहेंगे। सो इससे पहले कि मैं रेसिपी स्टार्ट करूं, आप सब ने मतलब बहुत सारे लोगों ने जो है कल के वीडियो में नीचे पूछा है कि मेरा जो डो मेकर है वो कौन से ब्रांड का है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। इट्स एक्चुअली अ फूड प्रोसेसर फ्रॉम प्रेस्टीज। ये मैंने अभी हाल ही में लिया, प्रिसाइसली जब आपको डो वगैरह गूंदना होता है उसके लिए, या आपको जैसे गाजर वगैरह श्रेड करनी है, कोई भी वेजिटेबल श्रेड करनी है या फाइन चॉप करनी है उसके लिए। जो आपने कल देखा वो इस तरीके से ये जो है ये जार आता है, ये जार आपका जूसिंग में भी यूज होता है, ग्रेटिंग वगैरह में भी यूज होता है और डो मेकिंग में भी यूज होता है। बस ये चीज इसकी, क्योंकि वो सेंसर है तो हाथ चला जाता है तो वो खुल जाता है। अब वहीं रुको, अब हम इसे ऑफ कर देते हैं। ओके तो बहुत अलग अलग तरीके के अटैचमेंट्स हैं। मैं जब लेने गई थी तो मुझे ये बहुत बहुत पसंद आया। ऐसा बजाज में भी आता है, ऐसा मर्फी रिचर्ड्स में भी आता है, ऐसा फिलिप्स में भी आता है। इनफैक्ट जहां तक मेरी नॉलेज है फिलिप्स में सिर्फ डो नीडर भी आता है, अगर आपको बाकी अटैचमेंट्स नहीं चाहिए हो तो आप फिगर आउट कर सकते हैं। बट यस, इट इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल थिंग। जब आप इसमें आटा गूंदना शुरू करेंगे ना, तब आपको थोड़ा मतलब पानी किस स्पीड, मतलब बहुत धीमे धीमे डालना पड़ता है क्योंकि ये फिर आपको रुकना पड़ता है कि ये विप करते हैं। क्योंकि जब अपन हाथ से गूंदते हैं ना तो क्या है, अपना एक अंदाजा बैठा होता है कि आप गूंद रहे हो फिर डाल रहे हो, तो आप गड़बड़ नहीं करते। इसमें अगर आप एकदम से डाल दोगे तो वो ज्यादा गीला हो जाएगा। सो इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम यूजर, थोड़ा आपको इसको यूज टू पड़ने के लिए टाइम लगेगा, बट ट्रस्ट मी बहुत काम की चीज है और बहुत हेल्पफुल चीज है। तो जिनके पास नहीं है, मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि एक फूड प्रोसेसर या एटलीस्ट एक डो नीडर जरूर ले लें। सो आज जो रेसिपी मैं ट्राई करने वाली हूँ वो है चिकन पॉप्सिकल्स, ये है आइसक्रीम स्टिक्स, तो ये आपको चाहिए होंगी। इसके ऊपर हम चिकन की फिलिंग को कोट करके लाइक जैसे वो चॉकोबार वगैरह हम नहीं खाते वैसे बनाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे मैंने डिफ्रॉस्ट कर लिया है बोनलेस चिकन और इसको जो है मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम सबसे पहले बॉईल करेंगे एंड मीनवाइल हम जो पोटैटोज हैं वो भी बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो ये मैंने जो एक पैकेट आता है विच इज बिटवीन 400 टू 500 ग्राम्स, एवरी पैकेट वेरीज, तो उसके साथ मैंने ये 3 आलू लिए हैं। तो हम जल्दी से इसे बॉईल होने रखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो साथ साथ मैं आपको इंग्रीडियंट्स बताती जाऊंगी, ठीक है, चलिए। और ये देखिए आज का मेरा हलवा रेडी हो गया। आज मैंने ये मैंने एक पतीले में पानी ले लिया, इसमें मैं डाल दूंगी ये कटा हुआ चिकन और फ्लेम ऑन कर दूंगी और इसके साथ हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और अच्छे से एक चम्मच मस्त बड़ा वाला अदरक लहसुन का पेस्ट, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। हमारा चिकन बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है और ना जब आप खुशबू ले रहे हो ना तो उसमें प्रॉपर आपको काली मिर्च और अदरक लहसुन की खुशबू आ रही है। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न होता है जब भी आप चिकन से कोई स्नैक बना रहे हो कि उसकी हीक नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आई थिंक विद वन बाइट यू जस्ट डोंट फील लाइक ईटिंग इट।
तो ये हो गया, मैंने बंद कर दिया, मैं इसे छान लूंगी। मीनवाइल मेरे पोटैटोज जो है वो बॉईल हो रहे हैं, तो अब मुझे बस उसका इंतजार है। यहाँ पे मैंने दो अनियन फाइनली चॉप कर लिए हैं, और ये दीदी मेरे लिए चॉप कर दी गई थी, लेकिन ये थोड़े बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े मुंह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे कैप्सिकम्स, इसे मैं इनको और थोड़ा फाइन में चॉप कर रही हूँ तब तक, और फिर हम सबको एक साथ मिक्स करेंगे, फिर कॉर्नफ्लावर में डिप करेंगे। एक्चुअली हम एग में भी डिप कर सकते हैं, एग कॉर्नफ्लावर दोनों में भी डिप कर सकते हैं। इफ यू वॉन्ट अ क्रिस्पर कोट तो वो हम करते करते डिसाइड करते हैं। सो फिलहाल लेट मी चॉप दिस कैप्सिकम वेरी फाइन। मैंने एक कैप्सिकम ली है और दो अनियन लिए हैं। ये देखिए, ये हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से घुल गई, और यहाँ जब आपका चल रहा था फोटो सेशन, मेरी फोटो अच्छी हो गया। अब आइसक्रीम अच्छे से घुल गई है, तो हम अपना जो शरबत है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें मैं 1 लीटर दूध और ऐड कर रही हूँ, मतलब टोटल 2 लीटर का शरबत बनेगा। तो 2 लीटर में मैंने एक फैमिली पैक आइसक्रीम पूरी डाली है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, और फिर अपने टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें रूहअफ़ज़ा ऐड करके मिक्स करके इसे फ्रिज में डाल दूंगी। तो ये हमारा चिकन बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है, इसे हमें अभी श्रेड कर लेना है हाथों से ही। अगेन अगर आप चाहो तो इसे मशीन में भी एक क्विक व्हिप दे सकते हो, पर हाथ से हो जाएगा आराम से। इसके बाद हम आलू भी मैश कर लेंगे, और फिर इस पूरे मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे। आलू को जो है हम अच्छे से मैश कर देंगे। अब हम इसमें अपना ये प्याज, शिमला मिर्च, ये सब डालेंगे, और अब इसमें हम डालते हैं मसाले। तो ज्यादा कुछ हमने इसमें डालना नहीं है, हम सिर्फ डालेंगे नमक आपके स्वाद के हिसाब से 1 चम्मच मैं डाल रही हूं, और गरम मसाला, दैट्स इट। अभी मैं पहले इसमें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, इसके बाद मैं इसमें ऊपर से चीज और ये स्वीट चिली सॉस थोड़ी सी डालूंगी। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स या ऑरिगेनो मिक्स वो सब भी डाल सकते हैं। तो मैं इतना ब्रिक ले रही हूँ, मैंने कट कर लिया है। आप अपने चीज की क्वांटिटी कम ज्यादा अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, और ये मैं इसमें पूरा अच्छे से ग्रेट कर दूंगी। एंड लास्ट में टू गिव दैट तीखापन एंड थोड़ा सा स्वीटनेस, ये सॉस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, हम थोड़ी सी स्वीट चिली सॉस डालेंगे। बट अगेन आप इसे कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, तभी भी बहुत यम लगेगा। आप थोड़ी चिली फ्लेक्स डाल देना या ऑरिगैनो डाल देना, या कुछ नहीं भी डालना, ऐसे भी बहुत सिंपल लगेगा। अगर आपको लग रहा है ब्लैंड लगेगा तो बिल्कुल भी ब्लैंड नहीं लगेगा, बहुत यम्मी लगेगा। सो यस, बहुत ईजी है, आप जितना डो अपने हाथ में लें उसके बाद आपको इस पे अच्छे से उसे पैक करना है, और फिर इस तरीके से आपको एक जो हम पॉप्सिकल्स खाते हैं आइसक्रीम के आइस के उसका शेप देना है। सो इट्स जस्ट फॉर फन, इट्स कॉल्ड चिकन पॉप्सिकल, नहीं तो है तो ये एक सेवरी एंड एक फ्राइड डिश। पॉप्सिकल्स तो जो है वो आइस के होते हैं। सो अभी मैं बहुत लेट हो गई हूं, तो फिलहाल मैंने 10 बना लिए हैं, ये लास्ट में बना लेती हूँ, और उसके बाद तुरंत फ्राई करके नीचे ले जाते हैं। और कोटिंग के लिए यहाँ हम सिरप तैयार कर लेते हैं। ये मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, इसमें डालूंगी सॉल्ट स्वाद के हिसाब से और थोड़ी सी लाल मिर्च, एंड इसको ना हम अंदाजन पानी डाल के एक थिक प्यूरी की तरह हमें बनाना है। बहुत पतला, बहुत रनी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थिक होना चाहिए। ये देखिए, ये परफेक्ट थिकनेस हमने अचीव कर ली है, इससे पतला मत कीजिएगा वरना आपके जो वो पॉप्सिकल्स हैं वो बिल्कुल सही से कवर नहीं होंगे। अब ना देखिए, इस तरीके से हमें डिप करते जाना है, ऊपर एक स्पून से आप इस पे ये बैटर डालते जाइए, और इसके बाद अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ये देखिए। और इसके बाद इसे हम अच्छे से कवर कर देंगे ब्रेड क्रम्स में, इस तरीके से, है ना, वाह। सो ये लीजिए, हमारा पहला पॉप्सिकल हो गया रेडी, इसे हम कर देते हैं फ्राई।
सो चलिए एक और मैं क्विकली आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने इसे मैदे के सिरप में कवर किया, अब इसे मैं ब्रेड क्रम्स में कवर कर रही हूँ। अब कुछ हो सकता है आपके हाथ में टूटने लगें, तो आप इस तरीके से ब्रेड क्रम्स डालने के बाद भी उसे थोड़ा सा शेप दे सकते हैं। ये देखिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैं बहुत लेट हो रही हूँ इसलिए मैंने धर्म दादा को हेल्प के लिए बुला लिया। धर्म दादा ये देखिए पराठा मस्त फ्राई करके, थोड़ा सा और फ्राई करो। ये ना चिकन, अम्मी देखो हम लोग चौकोबार खाते हैं वैसी होती है ना, तो शेप वो है, इसीलिए इसको पॉप्सिकल बोलते हैं आजकल। अच्छा, पर चिकन का है। बताओ अब आप खा के कैसा है? हीक तो नहीं आ रही? नहीं नहीं ना, नहीं बेटी नहीं गरम में तो अभी नहीं आ रही। हाँ, के बाद नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। गरम में तो बहुत अच्छे रहे। चिकन की अम्मी को चिकन की सारी चीजें उसी से बैठ का ये खाया ना सही तरीके। जैसे आइसक्रीम खाता है ऐसे आइसक्रीम खाता है। गरम है थोड़ा। So, ये हमारे चिकन के पॉप्सिकल्स, कैंडी, जैसे मैंने अम्मी को बोला आइसक्रीम, जो भी आपका वो रेडी हो गया और बहुत अच्छे बने। मैंने अब तक टेस्ट नहीं किए हैं, मैं आपके सामने टेस्ट करूंगी। सबको बहुत पसंद आया जो मैंने सोचा था वो। एक्चुअली मैंने कई वीडियोस भी देखे थे लेकिन एग्जैक्टली हर में कुछ अलग अलग तरीका था, तो मैंने अपने तरीके से ये क्रैक करने की कोशिश की और हो गया है। सो सबसे पहले मैं टेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बहुत यम है, कुछ भी कम ज्यादा नहीं है। फ्लेवर बहुत अमेजिंग आ रहा है, बहुत बहुत मस्त बना है, एकदम यम बना है। बिल्कुल अगर आप ट्राई करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ जब आप इसको बाइंड कर रहे होंगे ना, तो हो सकता है क्योंकि हमने इसमें चीज डाली है, चीज क्या होता है कंटिन्यूसली मेल्ट होती है, तो उस वजह से जब इसे बाइंड करोगे तो हो सकता है स्टिक थोड़ी लूज हो जाए या कुछ। डोंट वरी, आप उसको जब कॉर्नफ्लोर में डिप कर रहे हो, उसके बाद जब आप उसे ब्रेड क्रम्स से कोट कर रहे हो, उसके बाद भी हाथ में लेके उसे प्रेस करते रहिएगा, जैसे मैंने किया है, आपने देखा होगा। सो दैट इट्स अ वेरी क्विक, वेरी यम एंड अ वेरी क्यूट लुकिंग स्नैक। सो ये जरूर ट्राई कीजिएगा। ऑल्सो आज मैंने हलवा पराठा फिर से बनाया था, क्योंकि कल शोएब ने नहीं खाया और कल रात में उन्होंने बड़े चाव से बोला था कि मैं कल खाऊंगा, मेरे लिए कल बनाना, तो आज मैंने बनाया था। सो आज पराठे में मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मैंने उसमें थोड़ा दूध ऐड किया, तो कल जो मैंने उसे प्रॉपर बाइंड करने के लिए पानी डाला था उसकी जगह आज मैंने दूध डाला। उससे क्या हुआ है, पराठा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है, मतलब एकदम मुंह में घुल जा रहा है वो एक। लेकिन मैंने फ्राई करते वक्त ना उसको प्लेन भी बेल दिया, जैसे कल मैंने पूरी की तरह बेला, क्योंकि आप में से कई लोग बोल रहे थे कि ये पराठा नहीं ये पूरी है। सही बात है, लेकिन अब कहते हलवा पराठा है तो मैं भी हलवा पराठा कह रही थी। लेकिन उसको लेयर्स देके आप में से कई लोगों ने बोला कि फ्राई करो, तो मैंने लेयर्स दिए, पर जब मैंने फ्राई किया तो लेयर्स गायब हो गए। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि पराठा लेयर वाला हलवे के साथ मैं कैसे प्रिपेयर करूं, कैसे क्रैक करूं। टेस्ट वाइज बहुत यम लग रहा है, आप लोग भी अगर बनाएंगे तो प्लीज़ दूध ऐड करके बनाइएगा, उससे वो बहुत सॉफ्ट क्रिस्पी बनता है। ऑब्वियसली बिकॉज हमने उसमें तेल ऐड किया है, तो क्रिस्पी जो ऊपर का लेयर है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन अंदर से वो जो मुंह में मेल्ट होने वाला पराठा ना, वो दूध डालने से बनता है। सो यस, फिलहाल मैं एंजॉय करती हूँ अपने ये चिकन पॉप्सिकल्स, और आप लोग बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तिपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं डेफिनेटली इसे रिकमेंड कर रही हूँ।